हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। होप करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज सुबह की स्टार्ट हो चुकी है सोते सोते, और चलिए फिर आपको दिखाता है बाहर का मौसम कैसा है। मौसम देख सकते हैं, अभी तक तो ठीक ठाक है। देख सकते हैं धूप अच्छी खासी निकली हुई है। अब पता है शक्तिनगर में ग्रीनरी की कमी बिल्कुल नहीं रहती है। देख सकते हैं पूरा हरा भरा एकदम। तो देखते हैं आज बारिश होती है कि नहीं। तो फिर रेजैन पहुँच चुके हैं, और रेजैन के तो कोई छोटा सा मंदिर है। और ये सामने देखते हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प और ऐसा कुछ है। तो कुछ काम नहीं से जैन है, वो तो बाकी आप देख सकते हैं जैन के भी नज़ारे। फाइनली देख सकते हैं शाम के 5 बज चुके हैं, और बाइक का वीडियो शूट करने के लिए आ जाता हूँ हमारा लोकेशन में। ये पूरा एरिया देख सकते हैं दुर्गा मंडप वाला, शक्तिनगर वाला। तो यहीं पर आज बाइक का एक वीडियो रिव्यू शूट करना है मेन चैनल के लिए। तो चलिए फिर शूट करते हैं आज का वीडियो। और देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन, सामने ये पहाड़ देख सकते हैं, मस्त दिख रहा है। और देख सकते हैं स्काई देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर। और आज ये दुर्गा मंडप आप लोग जानते ही होंगे शक्तिनगर का। बाकी आप देख सकते हैं ओवरऑल हॉस्टल देख सकते हैं। और भाई साहब बहुत खतरनाक है, यहाँ पे लाइट भी कट गई है। देखिए टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग भी दिखा दूंगा आपको। देख सकते हैं 7:49 हो रहा है, लाइट भी कट चुकी है यहाँ की। देख सकते हैं पूरा अंधेरा अंधेरा। NTPC में इधर कोई लाइट की उम्मीद लगता ही नहीं कि लाइट कटेगी, लेकिन कट रही है लाइट। और सामने PW मोड़ रास्ता आपका मेन वाला। देख सकते हैं व्यू यहाँ का, अंधेर नगरी। नगर का न्यू पेट्रोल पंप न्यूली कंस्ट्रक्टेड। 98-24 देखिए ये वाला मेन रोड है जो आपका, ये आपका शक्तिनगर तेलगवा विनगर से आता है, और ये आपका जो कोटा बस्ती सीधे रोड जाता है। और इसी मेन रोड पे ये मंदिर है, तो देख सकते हैं पुराना, अच्छा खासा पुराना मंदिर है। और प्लांट के पीछे वाला हनुमान मंदिर के नाम से ही फेमस भी है। और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं बाबा सिद्धनाथ महावीर मंदिर पुरानी कोटा बस्ती शक्तिनगर, ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। तो बिल्कुल आके विजिट करिए, जो टाइमिंग रहती है उस टाइम पे ओपन ही रहेगा। ये देख सकते हैं प्लांट के पीछे हनुमान मंदिर, ऊपर जो आपने रोड देखा होगा जो मेन ये प्लांट वाला जो रोड है, कोटा बस्ती ज़्यादा तेलगवा साइड वाला जो रोड है। और ये अंदर का मंदिर देख सकते हैं, और इधर का पीछे का भी एरिया देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छा खासा जगह है। गाय वाय भी है यहाँ पे, एक दो देख सकते हैं। का पूरा यहाँ के व्यू ले सकते हैं मंदिर का, ये देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल पेंटिंग देख सकते हैं जय श्री राम लिखा हुआ, और अंदर पूरा देख सकते हैं एक लुक। यहाँ पे शंकर जी का भी है, कि ओवरऑल यहाँ का मंदिर है। अगर बैक की बात करें, पीछे दिखाता हूँ आपको क्या है पीछे। कुछ पीछे देख सकते हैं ऐसा कुछ झोपड़ी टाइप का, इधर आमों का पेड़ उड़ भी है, केले का पेड़ उड़ भी है। देख सकते हैं पेड़ में केला भी लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ है ओवरऑल यहाँ का मंदिर। इधर भी देख सकते हैं, तो आप सभी ने पूरा बैक का मंदिर का व्यू देखा। ये जो आपका हनुमान जी वाला मंदिर है, और ये आपका सीधे रोड आता है यहाँ से, पता ही होगा। फिर सचिन भी आया था साथ में, चलिए फिर इससे पूछते हैं कैसा कुछ ओवरऑल ये जो बैक में मंदिर है, कैसा कुछ एक्सपीरियंस है। क्या सचिन, कैसा कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ का? एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊँ मैं, मतलब कोई विजिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर कोई चाहे विजिट कर सकता है, धार्मिक प्लेस है, आना चाहिए, देखना चाहिए एक बार। हाँ देख सकते हैं एकदम मेन वाले रोड पर है ये आपका, जो मेन पीछे रोड है, तो कोई ऐसा दूर नहीं है बिल्कुल। अगर आज आना चाहे तो बिल्कुल आप लोग आके विजिट कर सकते हैं।